नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार, और किसान भाइयों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के आल पर प्रेस कर दें। किसान भाइयों, एक विशेष खबर है कि अब भूटान से खरीद कर आलू जो 30,000 टन आयात किया जा रहा है, तो आज की रिपोर्ट है। और पीयूष गोयल जी ने कहा है कि सरकार आलू और प्याज की कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अभी तक 7,000 टन प्याज का आयात किया जा चुका है, जबकि भूटान से 30,000 टन आलू का आयात किया जा रहा है। तो उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार प्याज आलू की कीमत को कंट्रोल में रखने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि दिवाली तक देश में 32,000 टन प्याज का आयात पूरा हो जाएगा। अभी तक 7,000 टन प्याज का आयात हो चुका है। आलू की कीमत को लगाम में रखने के लिए भूटान से 30,000 टन आलू का आयात किया जा रहा है। तो एक सप्ताह से प्याज की कीमत स्थिर भी बनी ही हुई है। गोयल जी ने ये कहा है कि हाल ही में जो कदम उठाए गए उसके कारण पिछले एक सप्ताह से कीमत स्थिर बनी है और औसत मूल्य 65 रुपये प्रति किलोग्राम पर बना हुआ है। तो 14 सितंबर को ही प्याज निर्यात पर बैन लगाने का फैसला किया था। 21 अक्टूबर से प्याज आयात के नियमों में जो आसान किया गया था, अब तक 7,000 मीट्रिक टन प्याज का आयात हो चुका है। दिवाली से पहले 25,000 टन और प्याज का आयात हो जाएगा। तो 23 अक्टूबर को स्टॉक लिमिट लागू किया गया था। प्याज की कीमत पर कंट्रोल के लिए 23 अक्टूबर को स्टॉक लिमिट लागू किया गया था। तो होल सेलर्स के लिए यह लिमिट 25 मीट्रिक टन और रिटेलर के लिए 2 मीट्रिक टन है। प्याज की ग्रेडिंग और पैकिंग के लिए 3 दिन अलग से दिए जाएंगे। यह खरीदारी की दिन से काउंट होगी, उसके बाद स्टॉक लिमिट का नियम लागू होगा। 29 अक्टूबर से प्याज के बीज पर निर्यात पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही किसान भाइयों, 30 की जगह अब 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है। प्याज के बाद आलू का भाव भी पिछले दिनों आसमान छूने लगा, तो आलू के रेट 60 के पार पहुंच गया था। तो गोयल साहब ने कहा है कि पिछले 3 दिनों से इसकी कीमत स्थिर हुई है और यह 42 के स्तर पर है। आलू के आयात के नियमों को आसान किया गया है। पहले आलू के आयात पर 30% ड्यूटी लगती थी, अब 31 जनवरी 2021 तक 10 लाख मीट्रिक टन आलू 10% ड्यूटी पर आयात किया जाएगा। 30,000 मीट्रिक टन आलू बहुत जल्द भूटान से भारत पहुंच रहा है। तो किसान भाइयों, ये थी पूरी रिपोर्ट। प्याज भी आयात किया जा रहा है, उसके साथ आलू के भाव भी बड़ी तेज़ गति से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आलू भी 30,000 मीट्रिक टन भूटान से पूरा आयात किया जाएगा। तो किसान भाइयों, आलू और प्याज से संबंधित ये पूरी रिपोर्ट थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।